देश भर के अलग अलग शहरों में किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। चक्का जाम को कई राजनीतिक दल भी समर्थन दे रहे हैं। किसान कानूनों के विरोध में किसान चक्का जाम कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को इससे अलग रखा गया है। एनसीआर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त चौकसी है, पुख्ता के इंतजाम है। दोपहर 3 बजे तक जाम का ऐलान किया गया है। तो अलग अलग जगहों से हमें तस्वीरें मिल रही हैं चक्का जाम की, और किस तरीके से लोग कहीं धरने पर बैठे हुए हैं और कहीं पर पुलिस उनको डिटेन करके ले जाती हुई दिखाई दे रही है। देश भर के अलग अलग शहरों में किसानों का चक्का जाम इस वक्त चल रहा है, और इस चक्का जाम को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल है। हरियाणा में खटकड़ टोल प्लाजा पर इकट्ठा हो गए हैं किसान। गुरदासपुर रोड पर अमृतसर जम्मू हाईवे इस वक्त जाम है। किसानों ने जम्मू पठानकोट हाईवे को भी जाम कर दिया है। तो अलग अलग शहरों में किस तरह से ये चक्का जाम चल रहा है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें, शाहजहांपुर राजस्थान, गुरुग्राम हरियाणा और दिल्ली का सिंघू बॉर्डर। झंडों के साथ नारेबाजी हो रही है। शाहजहांपुर में कम्युनिस्ट झंडों के साथ बैठे हैं किसान। तो हरियाणा में भी महिलाएं और जो आंदोलनकारी हैं तिरंगा लेकर बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी मार्च निकाला जा रहा है। तो शहर शहर किस तरह से आज प्रदर्शन हो रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। कमर खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी। तो आज के चक्का जाम में कई हाईवे जाम करने की योजना है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में मार्च निकालकर प्रदर्शन करने की योजना है, जबकि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को अलग रखा गया है, वहां पर चक्का जाम आज नहीं है। लेकिन 3 घंटे, दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक ये चक्का जाम किसानों का है। और लाइव तस्वीरें हमें जहां से मिल रही हैं उनको हम आपको दिखा रहे हैं। किसान एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको राजस्थान, हरियाणा और सिंघू बॉर्डर की तस्वीर दिल्ली के पास दिखाई थी, जहां पर तमाम लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। महिलाएं भी आज इस चक्का जाम में हिस्सा ले रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करविंदर कौर, बासिया जिला जनपद। आज 6 मोदी विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये 3 कानून किसान मजदूर ही नहीं बल्कि सबके लिए अहितकारी हैं, पूर्ण समर्थन, हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं अपने ट्वीट में। सरकार को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं बात है कि सरकार मानेगी नहीं। सरकार को मानना पड़ेगा, हमारी मांगे जो जायज है, हम कोई गलत नहीं मांग रहे। हम जो 3 काले कानून बनाए हैं उनको रद्द करने के लिए बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हमारे पहले भी भगत सिंह के चाचा जीत सिंह ने 9 महीने संघर्ष किया था पगड़ी संभाल जट्टा, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, कोई बात नहीं। हमको कोई डर नहीं है, हमारे कोई अन्न का, कोई भी किसी भी चीज की हमें कोई कमी नहीं है। हम ऐसे ही उतना देर बैठे रहेंगे जितना देर कानून काले रद्द नहीं होंगे। तो ये महिलाएं हैं, उनका कहना है कि तब तक बैठे रहेंगे, ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों का मार्च चल रहा है। दलाली, 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 दलाली।
और आज का दिन भी है। और इस बीच यूपी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। और आज के दिन भी हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरे प्रदेश में लगा रखी है। हमारी 144 कंपनी पीएसी, 6 कंपनी हमारी पैरामिलिट्री और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और सेक्टर जोनल स्कीम हमने लगा रखी हैं। हमारी जो पंचायत के चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी भी बहुत जोर शोर से चल रही है और हम लोग ऐसे सारे जो अवांछनीय तत्व हैं या कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं उनका उनकी पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई। और ये राकेश टिकैत इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है, यहाँ कई दिनों से धरना भी चल रहा है और किस तरह कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया से बातचीत कर रहे हैं राकेश टिकैत। क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे विस्तार से, लेकिन आज यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर सभी जगह इस चक्का जाम का आह्वान किया गया है। राकेश टिकैत और कई किसान नेता बीते दिनों अलग अलग जिलों में जाकर महापंचायत कर रहे हैं और इस आंदोलन में समर्थन की मांग कर रहे हैं, किसानों से उनसे जुटने की अपील कर रहे हैं और आज के चक्का जाम में भी हिस्सा लेने की अपील की। और फिलहाल ये गाजीपुर बॉर्डर से आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। तमाम किसान नेता और राकेश टिकैत इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और देश भर में इसका क्या असर है जो खबरें हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक किसानों ने जम्मू पठानकोट हाईवे को जाम किया हुआ है। गुरुग्राम के बजघेड़ा चौक पर किसान बैठे हुए हैं, सिंघू बॉर्डर पर किसान मार्च निकाल रहे हैं। लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर भी किसानों ने प्रदर्शन किया है। करनाल में बस्ताड़ा टोल को जाम किया है किसानों ने। तक ये जड़ा रोड असी जाम रखांगे, एमरजेंसी जो भी आएगा, बीमार होएगा, कोई शादी वाला होएगा, उन्हों असी बड़े प्यार ना एम्बुलेंस उन्हों असी बड़े प्यार ना साढ़े वलंटियर जेड़े आ अगे उन्हों नगाउणगे। साढ़िया मेन सड़कां जिहड़ा उह रोकण दी कॉल आ, असी मेन सड़कां ते बैठे आ। स्टेट और अपने नेशनल हाईवे वो सारे इंडिया के अज असी बंद कर रहे हैं। 12 to 3 बजे तक बंद रहेंगे। संजौत किसान मोर्चे दिया जो सानू अपने डायरेक्शन आई उन्होंने मुताबिक अपने बंद किया जाएगा। जो एम्बूलेंस है, कोई बीमार है, कोई ब्याह शादी वाला है, कोई एमरजेंसी है, उसे छोड़ दे। हम तो 25 तारीख से जहां से दिल्ली को गए थे अब तक बैठे हैं और उससे पहले 4 महीने पंजाब में बैठे हैं। हम तो यही आस लेकर बैठे हैं कि मोदी को, बीजेपी को हमने वोट। और सीधा अब आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास इस चक्का जाम से संबंधित। देखिए अगर बात करें तो जो चक्का जाम की स्थिति है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली अभी फिलहाल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर सुरक्षा इतनी चाक चौबंद की गई है कि कोई भी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता है। 50,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवानों को डिप्लॉय किया गया है अलग अलग इलाकों में और जो संवेदनशील एरिया है वहां पे काफी ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पे भी यहाँ पे किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। इनके जो नेता है राकेश टिकैत वो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे और जो इन्होंने मिट्टी डाली थी जिसमें इन्होंने फूल उगाने की बात की थी उसको भी पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है। और राकेश टिकैत ने आज यहाँ पे एक नया नारा दिया है, जय जवान जय किसान का, हम ही जवान हम ही किसान, ये नारा उन्होंने दिया है और एक सम्मान प्रकट किया है जवानों के प्रति। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से 26 जनवरी को टकराव हुआ था जवानों के बीच में, किसानों के बीच में, और उसके बाद आज किसानों का एक बड़ा कॉल है, किसान आज चक्का जाम कर रहे हैं देश भर में, उसके बाद आज जिस तरीके से यहाँ पे तस्वीरें देखने को मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि
जो जवान है उनका सम्मान करेंगे किसान, और किसान और जवान मिलकर ही आगे चलेंगे। तो इस तरीके से तस्वीर अभी निकल कर आई है, कहीं से भी कोई हिंसा की भी खबर नहीं आई है। कुछ जगह पे हाईवे तो जरूर रोका गया, जैसे कि आप बता भी रहे थे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन वहां भी किसी तरीके से अभी तक हिंसात्मक प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, यहाँ पे जो तमाम सारे किसान नेता है वो जिलाधिकारी को जाकर ज्ञापन दे रहे हैं और अपनी जो मांग है, अपनी जो समस्याएं हैं उसकी जुड़े हुए जो चीजें हैं वो जिलाधिकारी को अवगत कराया जा रहा है। लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पे चक्का जाम नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरीके से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन दिल्ली में एहतियातन तौर पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करके रखा गया है। गाजियाबाद और नोएडा में भी सिक्योरिटी को डिप्लॉय करके रखा गया है कि किसी भी तरीके की अगर अनहोनी होती तत्काल उससे निपटने के लिए जो पुलिस के जवान है वो मुस्तैद है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है, कहीं पर भी अगर किसान किसी भी तरीके का उपद्रव करते हैं या हिंसक प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लिया जाए। जी हाँ बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सिक्योरिटी के इंतजाम जबरदस्त हैं, प्रशासन पूरी तरह से चौकस है, जो 26 जनवरी को हुआ उसके बाद कोई हिंसा ना होने पाए एहतियात के तौर पर कड़े कदम उठाए गए हैं। दोपहर 3 बजे तक जाम का ऐलान किया गया है, अलग अलग जगहों से हमें तस्वीरें मिल रही हैं और अविनाश आप भी बता रहे हैं कि सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया गया है, तमाम बसें वहां पर लगाई गई हैं। लेकिन हमने देखा कि जो कीले लगाई गई थी, मतलब जिन कीलों पर बीते दिनों खबर भी बनी, कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी मिली, उसके आगे आज फूल उगाते हुए किसान नजर आ रहे हैं, क्या आपको भी कुछ ऐसा देखने को मिला? देखिए अगर बात करें तो जो कल कीले उगाई गई थी उस कीलों को हटा दिया गया था, उस कील को दिल्ली पुलिस ने हटाया, उसके बाद किसानों ने वहां पर मट्टी गिराई, मट्टी गिरा कर किसान वहां पे फूल लगाना चाहते थे लेकिन वहां पे फिलहाल वो फूल नहीं लगा पाए क्योंकि जहां पर उन्होंने मट्टी गिराई थी वहीं पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है और वहां पे उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी चीज लगाने के लिए या उगाने के लिए इजाजत नहीं है। जिसके बाद अभी राकेश जी कहते हैं, खुद दिल्ली पुलिस के जो जवान है उनसे ये कहा है कि आप हमारी इस मिट्टी की रक्षा करिएगा, इस मिट्टी को बिल्कुल आप संभाल कर रखिएगा और जवान और किसान दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इसीलिए देश की मिट्टी की रक्षा आप करते हैं और देश की मिट्टी में फसल उगाने का काम हम करते हैं और जवान किसान एक ही हैं, लिहाजा आप इस मिट्टी की रक्षा करिए, हम इससे कुछ भी अब नहीं करेंगे। तो ये गाजीपुर बॉर्डर में जो एक खास ही विरोध के रूप में ये लोग फूल उगाएंगे उस मिट्टी उस जगह पे, फिलहाल वो पुलिस ने करने नहीं दिया, पुलिस ने उसकी इजाजत नहीं दी, जिसको किसानों ने भी माना और किसान अब पीछे हट गए वहां से। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दिल्ली में 10 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है ऐतिहासिक तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार किसानों ने प्रदर्शन किया था और वो प्रदर्शन हिंसक हो गया था उसके बाद आज इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे 10 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। फिलहाल हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से इनका प्रदर्शन चल रहा है, कई जगह मार्च देखने को मिला है, सिंगू बॉर्डर में मार्च देखने को मिला है, टिकरी बॉर्डर में मार्च देखने को मिला है, लेकिन अभी तक कुछ हिंसक इनकी तरफ से नहीं देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस भी इसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है, अगर किसान हिंसक होते हैं तो दिल्ली पुलिस तत्काल उनसे निपटने के लिए अब सक्षम है, इसकी फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो किसान कानूनों के विरोध में आज दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, दोपहर 3 बजे तक किसानों का ये चक्का जाम और प्रदर्शन चलेगा।